हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हमें जाना है गुड़गांव और अभी चाय बन रही है, चाय पी के निकलेंगे गुड़गांव के लिए, मैं, स्वाति और चीनू। तो भाई चल रहा है नाश्ता और आज बनाए हैं चाय पराठे। स्वाति ने चाय बनाई है, मैंने और चीनू ने मिलके पराठे बनाए हैं। बढ़िया बन रही है चाय। तो गाइस निकल रहे हैं, हम सब अपना सामान वगैरह पैक कर लिया है, कानू जी को ले लिया है, चीनू लॉक लगा रही है, तू भी बैठ रही है। ए सड़ी ओड़। तो गाइस आज स्वाति कर रही है ड्राइव, डाली लोकेशन। तो भाई हम पहुंच गए हैं गुड़गांव और आज स्वाति ने ड्राइव किया, बहुत अच्छी गाड़ी चलाई स्वाति ने, थैंक यू स्वाति। स्वाति बढ़िया पहुंचा दिया तूने तो। चलो 600 रुपए हो गया आपके। 800 रुपए? अच्छा 800। मैंने जब बुक की जब तो 550 थे भैया। 550? 600 क्यों मांग रहे हो? 550 दे दो, कोई नहीं। लो मैं घर जाके दूंगी, अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है, वापसी भी तो चलना है। तो भाई ये टिगोर खड़ी है, ये XUV और वो टियागो। तो चलो भाई चलते हैं ऊपर। कहाँ गए स्वाति जीनू? चलो कहाँ घूमने की तैयारी है तुम्हारी? अब खोपचे खोपचा, ये कहाँ है? खोपचे में पता ना, मुझे नहीं पता, खोपचा खोपचे में है। अच्छा और रिची रिच आलस चढ़ गया, इंस्टा नमस्ते, नींद में रात से जाग रहा ना। तू ही तो जाग रहा है रात से, आज आज कैसे जागा तू रात से? हैं इंस्टा 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 मेरे पास कम आता है। इंस्टा क्या खाया इसने उठा के? वो पंजे बहुत तेज रहते हैं इसके। और ये देखो इंस्टा ने आते ही बेल उठा ली और चीनू घुमा के लाएगी इसको। चले जा बाहर या नहीं लेके जाना? ये नीचे नीचे घुमाऊंगी, बाहर नहीं ले जाओ। धूल मिट्टी मत ले जियो और कुत्तों से बचा, बाहर नहीं ले जाओ, कुत्ते पाड़ लेंगे। बाहर गेट से बाहर नहीं निकालना, नीचे नीचे घुमा लो, नीचे ढक्कन खुले होगा कभी टैंक में पड़ जाते। हाँ और सही है, कभी टॉयलेट भी कर दे फिर पीछे की टांगे इसकी वो अंडे लग गई नीचे। हाँ फिर वहां से निकाला। अच्छा मतलब लटक गया उसमें। ध्यान रखियो, ठीक है। ये देखो इंस्टा को बैलेंस बना रहा है, इंस्टा देख देख, इंस्टा बैलेंस से खेल रहा है ना। मिलेंगे, बाय इंस्टा। सही था, रचित इसे पकड़, बात बनवा लो, पेट को ऐसे कर ले थोड़ा, बस होगी सही, बात बनवा लो बिना ऐसे। कितनी मिकी माउस की है, वाह। बाय, कब आएगा घर पे? देखता हूँ फिर भी। बाय, एक दो दिन तीन दिन, कल तो परसों तो वहाँ निकलना है मेरे को। अच्छा हिमाचल। कभी कभी हम आ जाए यहाँ तो नहीं होता जब। तो गाइस हम जा रहे हैं स्काई जंपर में, चीनू की फरमाइश थी। तो भाई हम गुड़गांव आ रखे थे तो हमने सोचा यहीं के पार्क में चले चलते हैं, तो चले चलते हैं। हाँ, तो चले चलते हैं, तो दोस्तों आपको लेके चले चलते हैं। हाँ, तो आप लोग भी चलो हमारे साथ, देखना हमने क्या क्या एंजॉय किया वहाँ पे, आप भी चले चलो। तो गाइस अभी हम आए किसी मॉल में, यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और फिर जाएंगे झूला वगैरह झूलने, जंप वगैरह करने। झूला मुझे नहीं पता ना, हम आए खाए इसलिए बोल दिया जो मेरे को पता था। तो अभी हमारा सबवे हो रहा है तैयार, क्या क्या डलवाना चाहिए उसमें, अलग से कुछ डलवा सकते हैं या जो भी है? मैं डलवा दूंगी जो चीज़ अच्छी लगती है वो। ये देखो ये बच्चा बार बार कानू को झुलाने आ रहा है। स्वाति जो है अपनी टिकट ले रही है और चीन और स्वाति जाएंगे अंदर, मैं तो नहीं जा रही हूँ। गाइस अभी हमने ली है कुल्फी, एक पानी की बोतल होती है तो हमारी नहीं ली है स्वाति ने, आपने खुद ही नहीं ली, तो मैं तो मना करूंगी तेरा फर्ज लेना। मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला मैं नहीं खुद पाऊंगी। स्वाति सॉक्स पहन रही है और चीनू ने सबसे पहले पहनी है और सबसे ज्यादा कूदने वाली है चीनू। ये देखो कितनी अच्छी ग्रिप है सॉक्स में,
देखो इनको कैसे नीचे लेट गई। और स्वाति बहुत अच्छा कर रही है। देखो चीनू को बिल्कुल नहीं कर रही है, आराम से लेटी है। यहाँ भी चीटिंग। गाइस अभी मैंने बनवाई है मैगी, अभी मैं मैगी खाऊंगी गर्मा गर्म क्योंकि भूख लगी हुई है। और ये देखो छोटी बच्ची को कूदते हुए। और ये देखो छोटे दो बच्चों को। तो गाइस मेरी मैगी आ गई है तो मैं खा लेती हूँ गर्मा गर्म अभी। स्वाति को गिराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। गिरा दिया चीनू ने स्वाति को। स्वाति और चीनू के लिए मैंने मैगी मंगवा दी है, गरम गरम है अभी, वो वॉशरूम गई हुई है। और ये चीनू देखो कह रही है गिफ्ट दिलवाओ अब यहाँ से, इतने गिफ्ट मांगती है ना। हम लोग वहाँ से सॉक्स चुरा के नहीं लाए, चार्ज किया इनका। तो चीनू ने अभी हेयर पिन ली है ये वाली। और ये देखो प्यारा सा, इतना बेसुरा क्या कर रही है चीनू ये? गाइस हमारी गाड़ी में हो गया है पंचर, उस वाले टायर में, वो अभी वहां कर रहे हैं। अभी पंचर में लग जाएंगे 20 मिनट। और जब तक स्वाति कर रही है आराम क्योंकि ये कूद के आई है, बहुत थकी हुई है, पता नहीं गाड़ी भी चलाएगी या नहीं, या सोएगी पहले 1 घंटा। चलाऊंगी, नींद तो नहीं आ रही है थक के। रचित इसी में आया था सुपर। हाँ तो इतना बुरा हाल था उसका, तो कह रहा था मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, 2 दिन में थकान उतरी है जाके। वो जो लोग सेडेंट्री लाइफ जीते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता है। तो ये देखो भाई पंचर। तो गाइस हम पहुंच गए हैं रामलीला देखने के लिए और काफी लेट हो चुके हैं हम। बहुत ज्यादा जाम था, हमें गुड़गांव से यहाँ आने में लगे हैं 2 घंटे, दो लगे हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं रामलीला देखने और यहाँ पे काफी भीड़ है और अभी हम काफी लंबा चलेंगे। वहाँ से VIP एंट्री है, आगे से नॉर्मल। ठीक है तो हमें कौन सी में जाना है? नॉर्मल में। पास है आपके पास? हाँ कहाँ है? जेब में रहो दो, वहीं दिखाऊंगी मैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं और रामलीला शुरू होने वाली है और देखो काफी भीड़ है यहाँ पे और हम पूरा भीड़ को काट के यहाँ पे आए, इतनी भीड़ थी। और चीनू ने पापड़ खरीदे रास्ते से और ये खा रही है और ये स्वाति। और भाई सोने की लंका देख लो क्या कर रही है, झूलना है तेरे को? चीनू को झूलना है, झूलेगी? चीनू को भी नहीं झूलना, मेरे को झूलना है, छोटे भाई का मेरे को झूला, ठीक है? तो
तो गाइज घर पे पहुंच गए हम और काफी देर हो गई हमें आके, काम किया, अभी दूध गर्म रखा हुआ है पीने के लिए, और चीनो अपना काम करने लग रही है और स्वाति भी। तो चलो गाइज इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।